बॉलीवुड के गलियारों से अक्सर किसी न किसी चीज को लेकर न्यूज अपडेट्स एंड गॉसिप सामने आती रहती है, कभी मूवीज को लेकर तो कभी सेलिब्रिटीज की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। वेल, आज दिन भर क्या है सबसे खास आपको मैं बताऊंगी आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, यू वाचिंग बज़ूका रिव्यूज और मैं हूँ आपके साथ अलमास सिद्दीकी। तो पहली हॉट न्यूज है साउथ से आपके लिए। कमल हासन के फिल्म ठग लाइफ में हुई एक और फेमस एक्टर की एंट्री। रोहित सराफ जो इन दिनों अपनी फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड के लिए लाइमलाइट्स पर टूर रहे हैं और फैंस भी उन्हें इन दिनों काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो अब रोहित सराफ के फैंस के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो रोहित सराफ कमल हासन के फिल्म ठग लाइफ का हिस्सा बन गए हैं और इस फिल्म में वो एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है। बी टाउन से दूसरी हॉट न्यूज आपके लिए। हॉरर कॉमेडी फिल्म में रश्मिका मंडाना के साथ आयुष्मान करेंगे रोमांस, कब होगी फिल्म रिलीज। इन दिनों फैंस हॉरर कॉमेडी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और हाल ही में फैंस का टेस्ट भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में स्त्री 2 का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसी बीच आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंडाना की अपकमिंग फिल्म वैम्पायर ऑफ विजयनगर को लेकर भी खबरें तेज हो गई है और इस फिल्म की रिलीजिंग को लेकर भी कोई ना कोई अपडेट सामने आता रहता है। ऐसे में एक और अपडेट फिल्म से जुड़ा सामने आया है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 2025 तक रिलीज कर दिया जाएगा। ये अपडेट है प्रभास के फैंस के लिए। अब तक की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल की 2898 AD फाइनली थिएटर्स में आ गई है। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे और अब फिल्म वाकई थिएटर्स में लग गई है। फिल्म को अच्छा रिस्पांस तो मिल रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि ये फिल्म कब तक थिएटर्स में टिक सकती है। वैसे भी प्रभास के फैंस को उनसे काफी ज्यादा उम्मीद थी और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उनका इस फिल्म में परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो अब इस फिल्म को देखने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर प्रभास ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। सिंघम अगेन में अजय देवगन से लड़ने के लिए अर्जुन कपूर ने क्यों ली इतनी कम फीस। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की ये फिल्म दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है और अब इस फिल्म में अर्जुन कपूर खलनायक के तौर पर अजय देवगन से लड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने अर्जुन कपूर को अजय देवगन से भिड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 करोड़ रुपए की ही रकम दी है। वहीं बात करें दीपिका की तो उन्होंने इस फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए वसूले हैं। 20वें दिन घटी मुंजिया की कमाई। 20 दिनों में कितना हुआ मुंजिया का कलेक्शन। हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया थिएटर्स में लगी हुई है। इस सुपरनेचुरल फिल्म में शर्वरी वाघ और अभय वर्मा लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म ने स्टार्टिंग में तो अच्छा कलेक्शन किया था और अब 19वें दिन फिल्म का कलेक्शन हुआ है 87.80 करोड़ रुपए। वहीं बात करें 20वें दिन के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने 1.58 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है, तो कुल मिलाकर इस फिल्म ने कमाई की है 89.38 करोड़ रुपयों की। तो ये थी दिन भर की तमाम छोटी मोटी खबरें। वेल, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।